अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का अब कलेक्शन थोड़ा सा धीमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्षय कुमार की ये फिल्म पहले 9 फरवरी को रिलीज होने के साथ ही 10 करोड़ का अच्छा व्यवसाय किया। फिल्म के मुद्दे को देखते हुए ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और साथ ही फिल्म कम बजट में बनी है तो ये फिल्म प्रॉफिट में तो पहुँच चुकी है, लेकिन बात करें 100 करोड़ के कलेक्शन की तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष अब पैडमैन को करना पड़ रहा है। दूसरे दिन का इसका कलेक्शन रहा था 13 करोड़ रुपए। तीसरे दिन रविवार को इसका कलेक्शन बढ़ते हुए 17 करोड़ हो गया था, मतलब फिल्म ने पहले 3 दिन में 41 करोड़ का कलेक्शन किया। मंडे को इस फिल्म का कलेक्शन रहा महज 8 करोड़ यानी कि 5 दिनों में 49 करोड़ रुपए। छठे दिन का कलेक्शन 20 का वैलेंटाइन डे पर अच्छा साबित हुआ है और इस फिल्म ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया, मतलब 6 दिन में 59 करोड़ रुपए। और सप्ताह के आखिरी दिन मतलब फिल्म के पूरे 7 दिनों में इसका कलेक्शन रहा है कुल 65 करोड़ रुपए, यानी कि 7वें दिन महज 6 करोड़ का कलेक्शन। 7 दिन में ये फिल्म अब 65 करोड़ रुपए कमा चुकी है और अब अय्यारी भी रिलीज होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा अक्षय की फिल्म पैडमैन क्या 100 करोड़ के क्लब को हासिल कर पाएगी। हालांकि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुकी है। बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखो।